वजीर आजम इमरान खान की आज न्यूयॉर्क में रूस के वजीर खारजा सरगई लारोव से मुलाकात होगी। जमेरात 26 सितंबर के शेड्यूल के मुताबिक वजीर आजम से इंडोनेशिया के नायब सदर जोसेफ काला भी मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर सिदरा अनवर ने शहरी की शिकायत पर शीशा कैफे को सील कर दिया। बुध को शव इस्लामाबाद के इलाके F11 में कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरी की शिकायत पर नोटिस लिया और शीशा कैफे पर छापा मारा। छापे के दौरान कैफे से 10 शीशे और फ्लोर कब्जे में ले लिया गया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने पाकिस्तान को आइंदा बरस एहसास प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए $20 करोड़ फराहम करने पर इत्तेफाक किया है। वफाकी इदारों हुकूमत इस्लामाबाद के तलबा भी पंजाब के मेडिकल व डेंटल कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे और सरगर्मियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका तौर पर अंग्रेजी चैनल शुरू करने का फैसला किया है। लाहौर के इलाके जवाए शाह रोड पर दो ग्रोह में तसादुम के नतीजे में फायरिंग से दो अफराद जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया दरीना दुश्मनी पर पेश आया। मरने वालों में एक राहगीर भी शामिल है। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। नैब की मजीद रिमांड की सदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं से बात की है और इन्हें बताया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मसला कश्मीर पर सालसी करवाने के लिए तैयार हूँ। और पाक श्रीलंकन सीरीज शादाब खान का मैच फीस जलजला मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। कौमी टीम के नौजवान ऑलराउंडर शादाब खान ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के मैच फीस पाकिस्तान में आने वाले जलजले के मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज। मैं हूँ आपके साथ फिजरा फहीम। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज स्टूडियो से तलब इतना ही। खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sahibaan.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।